अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और तमाम वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मार्बल की वेरिएशन। जो लोग हमारे पास आते हैं अक्सर हमारे से इस बात का बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस होते हैं, वो इस बात का यकीन करना चाह रहे होते हैं कि मार्बल के जो रंग आएंगे जब वो खरीदने के बाद जो मार्बल उनके पास पहुँचेगा फर्श पर लगाने के लिए, तो उसके रंग आपस में मिल रहे होंगे, एक ही रंग का मार्बल चाहिए, ये लोगों की डिमांड होती है अक्सर। तो इसमें हम लोगों को गाइड करते हैं एक तरीका मार्बल लगाने का, उस तरीके के बारे में आज आपको बताएंगे और इस वीडियो में आगे चल के कुछ टाइलें फर्श पर रखकर आपको बकायदा इसका एक तजर्बा करके बताएंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने उस वेरिएशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो मार्बल की वेरिएशन होती है वो कुदरती है, ये पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है, ये इंसान ने किसी मशीन में तो नहीं बनाया, तो उस वजह से इसके अंदर टाइल्स का कलर डिफरेंट होता है। ब्लॉक का कलर मेरे बैक साइड पे अगर आप देखें तो ये वाला जो ब्लॉक आपको ये स्लैब नजर आ रहा है इसका, ये जो टॉप को आता था ये वाला, यहाँ पे जाके ये बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाता है, जिस तरह ये नीचे आ रहा है इसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है और ये व्हाइटनेस की तरफ आता जा रहा है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी, इस तरह बेसिकली ब्लॉक्स जो होते हैं जैसे जैसे अपना फासला तय करते हैं वो अपना कलर चेंज करते जा रहे होते हैं मार्बल का जो होता है, तो उसी के अंदर से जब टाइलें निकलती हैं तो वो जब कटती हैं तो वो शफल हो जाती हैं। जब ब्लॉक्स को छोटे हिस्से में हम काट रहे होते हैं तो पहले उसके बड़े बड़े 14 सूत्र के यानी कि तकरीबन 2.25 इंच के और लंबे लंबे स्लैब्स बनते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर के अंदर इस वक्त, इस तरह के ब्लॉक्स बनते हैं। उसके बाद फिर वो सेक्शन होता है और छोटे हिस्सों में टाइल की सूरत में आ जाता है, तो वो जैसे जैसे उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं जो लेबर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग कर रही होती है तो उसकी शफलिंग हो जाती है आपस में। उस शफलिंग की होने की वजह से जब आपके पास मार्बल पहुंचता है यानी कि जब रक्षे वाला लोड करता है तब भी वो शफल हो जाता है, फिर मिस्त्री उठाता है उसको लगाने के लिए तो मजदूर उठाता है, एक दफा ले आता है दूसरी दफा कहीं और से उठा के ले आता है तो वो उसमें भी शफलिंग आ जाती है। इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलता है कि जो मार्बल का कलर है जब रगड़ाई होता है तो उसमें टाइलों में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा होता है, एक टाइल बहुत ज्यादा डार्क टोन में चली जाती है, दूसरी टाइल जो है वो बहुत ज्यादा लाइट टोन में चली जाती है। तो इस फर्क को किस तरह से दूर करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपकी च्वाइस ऐसी है हमारे कि हमें बिल्कुल एक रंग का मार्बल चाहिए तो हम उन्हें स्पेशली ये बात पहले ही बता देते हैं कि आपका जो ISO स्टैंडर्ड है वो टाइल पे मैच करता है, वो मार्बल पे मैच नहीं करता, वो ग्रेनाइट टाइल पे मैच करता है, लिहाजा आप लोग टाइल को प्रेफर करें। उसमें ये होता है कि एक ही रंग की जैसी आपने पसंद की थी पूरे घर की टाइलें आपकी बिल्कुल सेम, जिधर निशान अगर एक टाइल पे किसी जगह पे एक मार्क आ रहा है डिजाइन का मार्क है तो वो हजार टाइलों के अंदर वो मार्क टाइल की उसी जगह पे आ रहा होगा, लेकिन जो मार्बल है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर वेरिएशन होती हैं। इन वेरिएशन को कंट्रोल कैसे करते हैं ये थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आपने अपनी वेरिएशन जो है मार्बल की उनको कंट्रोल करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहेंगी और मुख्तलिफ तरीके जो हमें नॉलेज है किसी चीज का तो हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। कमेंट्स के जरिए हमें आइडिया जरूर दिया करें कि किस आप क्या सोचते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वीडियो में मिस किया गया उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाए। तो आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो टाइलें आपने सेटल करते वक्त मिस्त्री को बताना कि यार इस तरह इसको अलग अलग करो। इस तरह जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने टाइल्स पहले जो भी आपके पास मटेरियल मसूल हुआ है आपके पास आया हुआ है जो पड़ा जिस तरह पड़ा तो इस तरह आपके घर में कहीं पे रखा होगा कमरे में किसी में, उसकी टाइल्स को इस तरह लाइन में आपने बिछा लेना है। मार्बल की क्वालिटी जो है वो टाइल से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि वेरिएशन जो होती है मार्बल की वो आपने किस तरह कंट्रोल करनी है। सबसे पहले आपने जो अपने मार्बल आया उसको इस तरह एक लाइन में सीधा बिछा लेना है, ये शुरू में इतना इस तरह आपने टाइल्स को अपना सामने लाइंस की सूरत में बिछाते जाना है। कोशिश करना है कि दो लाइनें जो हैं वो आप लगा लें, आपके पास अगर जगह ज्यादा है तो आप इस लाइन को बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइलें लगाई हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से दो लाइनें, इसको आप लंबाई अपनी जगह के मुताबिक वहां से उतार के क्लिक हो जाए, जगह के मुताबिक आपने जो है इसको अपनी लाइनें लगा लेनी है, दो लंबी लाइनें आपने लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह ये हमने इसके ऊपर लगाया है, ये आपके सामने है, ये हमने पानी लगाया तो आपके सामने कलर वाजिया हो रहा है कि पूरी इसके अंदर से यानी कि
6 और 6 12 टाइलों के अंदर से ये जो दो टाइलें हैं, ये वाली और ये वाली, ये बहुत ज्यादा फर्क शो करवा रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों टाइलों को साइड पे निकाल देना है, इनको दोनों टाइलों को साइड पे निकाल दो। उधर रखो सामने और मजीद टाइलें वहां से इनके बीच में रख दो, ऊपर ऊपर। इस तरह से आपने जो है टाइलें वो वाली तब्दील कर लेनी है, ठीक है। फिर दोबारा पानी इसके ऊपर फेंकेंगे, देखिए अब ये पानी हमने इन टाइलों के ऊपर डाला तो ये हमारा कलर काफ़ी हद तक मैच हो गया है। अगर मजीद मैचिंग करना चाहते हैं तो इसकी आप और ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाली जो दो टाइलें आपको नज़र आ रही हैं, ये ज़रा डार्क टोन में आ रही हैं, इनको आप साइड पर निकाल लेंगे, ठीक है। इनको साइड पर निकाल के आपके पास एक जो मेन ड्राइंग रूम का है या टीवी लाउंज है, जिसको आप सबसे बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप जो बिल्कुल सिलेक्शन वाला ले जाएंगे और जो निकला हुआ होगा उसकी आपने क्या काम करना है कि उसने उसको आपने चेक करना है कि कितना ज़्यादा है। अगर वो किसी एक कमरे में पूरा होता है तो ऐसे बेड में ले जाएं जिसमें छोटा बेड और फर्नीचर के नीचे कवर हो जाएगा, तो उसके अंदर आप इस तरह की टाइलें जो निकली हुई हैं, जैसे सामने वो वाली टाइल हमने निकाली है, तो जो उससे छांटा हुआ माल निकला होगा वो आपने बेडरूम्स के अंदर ले जाना है, जहाँ के ज़्यादा फर्नीचर आ जाता है अक्सर और उसमें वो छुप जाती हैं फर्नीचर के नीचे। और आपने जो मेन एरियाज हैं अपने टीवी लाउंज, किचन और ड्राइंग रूम, उसको बेहतर करने के लिए आपने इसी तरह करते जाना है। जो पहली लाइन है वो आपने नहीं उठानी, दूसरी लाइन को उठाएं आप। दूसरी लाइन उठा के ये आपकी सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है जी। ये आपकी सिलेक्ट हो चुकी हैं टाइलें इस तरह से, ये आपने सिलेक्शन वाला अपना लैदा करना है। पहली वाली लाइन को आपने नहीं उठाना, दोबारा आपने इसी के सामने एक और लाइन लगानी है, फिर दोबारा से लाइन लगाएं। सही। इस तरह से आपने पहले वाली लाइन को एज ए सैंपल लगा रहने देना है और दूसरी लाइन को आपने बिछा बिछा के उठाते जाना है। इस प्रोसेस को आप और ज्यादा खुला भी कर सकते हैं। हमारे पास जगह की कमी होने की वजह से हम सिर्फ दो लाइनों वाला प्रोसेस चला रहे हैं। अगर आपके पास जगह खुली है तो आप इससे ज्यादा इसको बिछा सकते हैं, पूरे एरिया में इसको बिछा लें और उसके बाद सबके ऊपर पानी लगाएं, इसके ऊपर सबके ऊपर पानी लगा दें और जो उसमें से टाइलें आउट कलर की लग रही हैं उनको आप रिप्लेस करके अपने उस कमरे की सिलेक्शन करते जाएं। ये तरीके हैं मार्बल को सिलेक्ट करने के और जो उसमें से निकलता जाएगा उसको आपने कोशिश करनी है फिर एक ऐसे कमरे में ले जाएं, स्टोर में ले जाएं, ममटी में ले जाएं, जहाँ पे आमदोरफ्त कम है, जहाँ पे आपने मार्बल की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही, उस जगह पे आप ले जा सकते हैं उसको। और ये मैंने आपको तरीका बताया, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि लाइन पूरी आपने बिछा लेनी है, उसके उसको आपने नहीं उठाना और सामने वाली लाइनें जो सी उसको आपने मैच उसके साथ कर करके फाइनल इसको भी फाइनल इधर रख देंगे उठा के। ये देखिए हमारी दूसरी लाइन फाइनल हो चुकी है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं निकली, टाइल उस तरह की नहीं आई, तो इसमें से सारी टाइलें जो हमने सिलेक्शन वाले सामान में वापस आ चुकी हैं। तो इस तरीके से कर लेना है, या आपने पूरा एक कमरा जो है पूरे एरिए पे टाइलें बिछा के ज़रा खुले एरिए में उसके ऊपर सबके ऊपर पानी डालना है और पानी डालने के बाद जो टाइलें आउट कलर की होंगी उसको आपने निकाल लेना है और उसको किसी अलहदा किसी जगह पे लगा देना है, ठीक है। क्योंकि ये बादल वगैरह और सस्ते मार्बल्स हैं, इनके अंदर वेरिएशन ज़रा ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़ाहिर है कि दुकानदार हजरात वापस भी नहीं इसको करते क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है, ये होलसेल के रेट्स में बहुत कम मार्जिन पे बिक रहे होते हैं। तो आपने वापसी नहीं करनी, आपने अपने घर में अलहदा अलहदा कमरों में एडजस्ट करने का मैंने आपको ये बहुत आसान तरीका बता दिया। इस तरीके को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपके मार्बल की लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। मैं एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो टाइलें सामने जिस तरह हमारी वो टाइलें निकली हैं जो सिलेक्शन से हमारी आउट हो गई हैं, ठीक है। एक तो ये सिलेक्शन वाली हैं जो हमने सेलेक्ट कर ली किसी भी एक रूम में जाने के लिए, और ऐसी टाइलें जो सिलेक्शन से आउट हो गई, जो मतलब कम तादाद में निकली, पूरा कमरा भी नहीं होता, तो आपको पता है कि कमरे के गिर्द एक पट्टी घूमती है, मतलब दीवार के साथ साथ एक पट्टी अक्सर लगी होती है, ठीक है। मैं तस्वीर में जैसे आपको नज़र आ रही है, दीवार के साथ साथ जो पट्टी लगी हुई है उस पट्टी के जो बाहर वाला एरिया है उसमें टाइलें कम ही यूज़ होती हैं। तो अगर इतनी की टाइलें निकली हैं जो कमरे में यूज़ नहीं हो पा रही, पूरे कमरे में नहीं लगनी, तो फिर उसका डिज़ाइन इस तरह से करना होता है कि उसको पट्टी के बाहर, जैसे हम पट्टी बोलते हैं, यानी कि जो पट्टी के बाहर वाला दीवार के साथ साथ वाला एरिया होता है उसके अंदर एडजस्ट कर देनी होती हैं। और अंदर फिर दरी, जिस तरह आप तस्वीर में नज़र आ रहे हैं आपको, अंदर दरी आपने जो इस तरह की सिलेक्शन वाली टाइल है उससे भर लेनी होती है। ये भी एक डिज़ाइन को और मार्बल की खूबसूरती को बेहतर बनाने का एक तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।